बदायूं के सहसबान ग्राम चमनपुरा शरीफ में आज नागरिकता कानून एनआरसी सीएए के विरोध में जुमे की नमाज के बाद दरगाह में नागरिकता कानून का विरोध किया गया। अस्ताना गौशिया के गद्दी नशीन हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन कादरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने संविधान के खिलाफ यह कानून बनाया है जिसका विरोध किया जाता है। इस कानून से देश के चारों ओर आकार मचा हुआ है। नागरिकता कानून रद्द करने हेतु देश भर में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं लेकिन सरकार मौन किए हुए है। कारी मकसूद ने कहा कि नागरिकता कानून को तुरंत सरकार वापस ले। इसी दौरान दरगाह शरीफ पर देश में अमन शांति के लिए दुआ भी की गई। इस मौके पर मौलाना मुस्लिम राजा शकील मलिक, इमरान अहमद, कमर अहमद, हलाल मियां, कमल मियां सहित लोग उपस्थित रहे। तो क्या उनको बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या उन्होंने कुर्बानी नहीं दी है हिंदुस्तान में? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? इसको वापस जाना चाहिए। हम सब इसके मुखालिफत में हैं कि एनआरसी और एनपीआर ये सब वापस होनी चाहिए। नमाज के बाद मामूलात के हिसाब से हाजिरी देते हैं और हाजिरी के बाद बैठने का मकसद ये है कि एनआरसी, एनपीआर, सीडब्ल्यूए के ताल्लुक से जो मुखालफत हर जगह हो रही है हम उसकी मुखालफत करते हैं और प्रधानमंत्री साहब से ये कहना चाहते हैं कि वो इस बिल को वापस लेने की कोशिश करें। और खसूसियत के साथ हमारी माँ बहनें जो एहतजाज जगह जगह कर रही हैं, अपना हक मांग रही हैं, आप उनका अपमान ना करें, आप उनको सम्मान दें। तो सीए और एनआरसी, एनपीआर की मुखालफत तो हम कर ही रहे हैं, उसके विरोध में तो हम खड़े हैं और आखिरी हद तक हम खड़े रहेंगे। जब तक कि इसकी वापसी नहीं होती है, जब तक कि वापस नहीं लेते हैं, हम विरोध इसका करते रहेंगे। लेकिन आज हम खसूसियत के साथ में इसलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं कि हमारी माँ बहने जहाँ जहाँ बैठ कर के इसकी मुखालफत कर रही हैं, उनके साथ जो अपमान किया जा रहा है, उनको जो बेइज्जत किया जा रहा है, जबकि वो अपना हक मांग रही हैं, तो हम उनके हक में खड़े हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ हमारी माँ बहनों के साथ, हम इकट्ठे होकर के बाहर निकलेंगे और जितना हमसे हो सकेगा हम उनके बचाव के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी इज्जत के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। अगर जान की बाजी की जरूरत पड़ी अपने भारत के नाम पर, माँ बहनों की इज्जत के नाम पर अपनी जान को भी हम देने के लिए तैयार हैं। पढ़ने पढ़ने पढ़ने